अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की, बिल्कुल शुरुआत से, जब से बनी तब से लेकर आज 2020 तक क्या क्या जावास्क्रिप्ट की लाइफ में हुआ। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले जब डेवलप हुई थी तो इसको डेवलप एक अकेले इंसान ने करा था, और अगर इनकी बात पे यकीन करें तो इनका कहना था इन्होंने एक वीक में इस लैंग्वेज को डेवलप कर दिया था। बहुत डेडलाइन बहुत पास आ गई थी, बहुत जल्दी इनको ये लैंग्वेज बनानी पड़ी थी। तो विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1 वीक मिस्टर ब्रेंडन एक ही हैज डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। लेकिन जब इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप करा तब इन्होंने इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं रखा था, तब इन्होंने इसका नाम रखा था मोका और लाइव स्क्रिप्ट। जैसे आपको भी पता होगा जावा जब डेवलप हुई थी तो ओरिजिनल नाम ओक था ना, बाद में चेंज करके उसको जावा करा गया क्योंकि ओक ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। इसी तरह से सी प्लस प्लस जब लॉन्च हुई थी तब सी प्लस प्लस के नाम से नहीं हुई थी, तब उसका नाम रखा गया था सी विद क्लासेस। ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट का नाम जावा स्क्रिप्ट बहुत बाद में पड़ा। कैसे पड़ा जावा स्क्रिप्ट नाम, उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। आपको अगर याद हो तो जावा स्क्रिप्ट 1996 में बनी है, जावा भी 1996 में बनी थी, है ना? ओके, आपने जावा में स्विंग सुना है, स्विंग, हैव यू हर्ड दिस वर्ड स्विंग टेक्नोलॉजी, जिससे जावा में हम जीयूआई डेवलप करते हैं। और ये जो स्विंग टेक्नोलॉजी है ये सन माइक्रोसिस्टम और नेटस्केप ने कोलैबोरेटिव वे में बनाई थी, यानी सन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप नेटस्केप के साथ 90s के एरा में थी। तो नेटस्केप के इंजीनियर्स और सन के इंजीनियर्स ने मिलकर जावा को प्रमोट करा था। तो सन वालों ने एज थैंक्स गिविंग नेटस्केप को यह परमिशन दी कि वो जावा का नाम अपनी लैंग्वेज में यूज करें, क्योंकि आप जरूर जानते होंगे कि जब जावा मार्केट में 1996 में आई थी तो मार्केट में भूचाल ला दिया था, जावा ने ला दिया था। उस समय की टॉप लैंग्वेज जो थी जानते हैं कौन सी थी? वीबी, विजुअल बेसिक, जो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, माइक्रोसॉफ्ट की इनकम का बहुत बढ़िया सोर्स थी वीबी। और जावा के आते ही ये लैंग्वेज बिल्कुल खत्म सी हो गई थी। इतना माइक्रोसॉफ्ट को खतरा जावा के आने से हो गया था कि माइक्रोसॉफ्ट को फिर .NET टेक्नोलॉजी लानी पड़ी इन द ईयर 2000 जावा को कॉम्पीट करने के लिए। जावा ने आते ही मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया था, और जावा इतनी पॉपुलर हुई थी मार्केट में कि जावा की इस पॉपुलैरिटी को एनकैश जावास्क्रिप्ट ने नाम को लेकर करा। समझ रहे हैं आप? तो एक खेल सारा सिर्फ नाम का है और कुछ नहीं है, ये बिजनेस गिमिक था इनका। इस कंपनी को ये लगा कि अगर इस लैंग्वेज के नाम में जावा नाम शामिल होगा तो प्रोग्रामर्स थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जैसे अपन कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुलाते हैं ना, बस ये वही वाला केस है, ये वैसा ही केस है। तो जावास्क्रिप्ट जब लॉन्च हुई थी तो जावास्क्रिप्ट को कोई नहीं पूछ रहा था, मार्केट में बहुत दिक्कत हो रही थी इसको सर्वाइव होने के लिए। फिर अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए इन्होंने जावा के साथ कोलैबोरेट करा, कोलैबोरेट कुछ टेक्निकल वर्ड्स में नहीं करा, बस ये करा कि हम आपका नाम यूज करना चाहते हैं। तो जावा का नाम जावास्क्रिप्ट ने यूज करा, एंड दैट इज द सोल रीजन कि इसके नाम में जावा वर्ड क्यों आ रहा है। डाउट सॉल्व, राइट? बाकी जावा का जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये इनके अच्छे बिजनेस रिलेशंस थे कि ये कंपनी जावा के नाम को यूज कर पाई। बढ़े आगे, क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। तो जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी 1996 में। जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था दैट वॉज कॉल्ड 1.0। अब आप अगर जावास्क्रिप्ट समझ रहे हैं इन दो दिनों में, तो आप मानते हैं खाली नेटस्केप जावास्क्रिप्ट नहीं बना रही है, अब हर ब्राउजर के पास जावास्क्रिप्ट का इंजन है ना, क्रोम के पास भी है। खैर उस जमाने में तो क्रोम था नहीं, लेकिन उस जमाने में इंटरनेट एक्सप्लोरर तो था। अगर आपको याद हो नेटस्केप के टाइम, ये 90s के एरा की बात कर रहा हूं मैं, 90s के एरा में इंटरनेट एक्सप्लोरर भी था, वो भी एक बहुत पॉपुलर ब्राउजर था। 90s के एरा में नेटस्केप का ब्राउजर भी था, जानते हैं क्या नाम था? जिस ब्राउजर को आज आप फायरफॉक्स बुलाते हैं, 90s में उस ब्राउजर का नाम नेविगेटर था। 90s के एरा में नेटस्केप नेविगेटर बोलते थे इसको, तो नेटस्केप नेविगेटर अब आज मोजिला फायरफॉक्स हो गया है। तो नेटस्केप नेविगेटर में जावास्क्रिप्ट रन होती थी, लेकिन मिस्टर ब्रेंडन एक ने देखा कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होने के कारण हर ब्राउजर बनाने वाली कंपनी अपने अपने तरीके से जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर रही है, अपने अपने तरीके से लैंग्वेज में चेंजेस कर रही है। तो लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी आ पाए, सारे ब्राउजर्स में लैंग्वेज सेम तरीके से काम कर पाए, इसलिए नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट के राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट कर दिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर कर दिए, जिसका नाम आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्मा। एक्मा का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन
एक्मा का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। जैसे मुझे बताइए, अगर आपने सी पढ़ी है, डेफिनेटली पढ़ी होगी, वहां आंसी का नाम सुना है आपने, आंसी सी, आंसी स्टैंडर्ड्स, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? तो आंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है और इन स्टैंडर्ड्स को कंपाइलर बनाने वाली कंपनी फॉलो करती है। जैसे सी प्लस प्लस का पॉपुलर कंपाइलर है ना जीसीसी, सभी लोग जानते होंगे सी प्लस प्लस का बहुत पॉपुलर कंपाइलर है जीसीसी। जो सी प्लस प्लस बनाता है वो कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है? तो जवाब है आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। आईएसओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स बनाती है और जीसीसी उसको फॉलो करता है। ऐसे जावास्क्रिप्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाने का काम एक्मा करती है और जावास्क्रिप्ट उसको करती है इंप्लीमेंट। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक्मा क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। एक्मा स्टैंडर्ड्स हैं और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, और एक्मा के स्टैंडर्ड्स जब जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है तो अब आज की डेट में जावास्क्रिप्ट को ES का नाम मिल चुका है। ES स्टैंड्स फॉर एक्मा स्क्रिप्ट। इन स्टैंडर्ड्स का नाम रख दिया गया है एक्मा स्क्रिप्ट। तो जब एक्मा के पास जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स बनाने के राइट्स आए तो एक्मा ने जावास्क्रिप्ट को 360 डिग्री पे चेंज करा। हालांकि एक्मा वाले भी बहुत आलसी हैं, बहुत धीरे धीरे बहुत लो वे में ये काम करते हैं, बट यस, इन्होंने जावास्क्रिप्ट को बहुत सारे चेंजेस दिए। और सबसे बड़ा चेंज जो जावास्क्रिप्ट का आया था वो एक्मा की तरफ से 2015 में आया था। 2015 में एक नया वर्जन जावास्क्रिप्ट का अवेलेबल हुआ। ये वही वर्जन है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, जिसके बाद जावास्क्रिप्ट कहां कहां रन होना स्टार्ट हो गई, जिसके बाद जावास्क्रिप्ट कहां कहां रन होना स्टार्ट हो गई। वेरी गुड, तीनों होस्ट एनवायरमेंट पे रन होने लगी और इस वर्जन का नाम इन्होंने दिया था ES6। तो आज आप इंटरचेंजेबली लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि जावास्क्रिप्ट और ES6 ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा टेक्निकली इसमें करेक्शन की जरूरत है। जो ES है वो स्टैंडर्ड है लैंग्वेज का, और जो जावास्क्रिप्ट है वो लैंग्वेज इन प्रैक्टिस है। आर यू हियरिंग दिस? समझ रहे हैं इस बात को? तो आप रेज्यूमे में डेफिनेटली लिखिएगा कि आपने ES6 करी है, क्योंकि आप वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं जो एक्मा ने बनाया है और जावास्क्रिप्ट उस स्टैंडर्ड को कर रही है फॉलो। फिर इसके बाद एक्मा ने हर साल JS के नए नए वर्जन निकालना स्टार्ट करा। लेकिन जैसा आप जानते हैं, एक्मा JS इंजन बनाती है कि एक्मा स्टैंडर्ड्स बनाती है? जल्दी बताइए, एक्मा स्टैंडर्ड्स बनाती है, एक्मा इंजन नहीं बनाती। इंजन अभी भी कौन बना रहा है? अभी भी ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज बना रही है, और जिस स्पीड से एक्मा अपने आप को अब अपग्रेड कर रही है, ब्राउजर्स उतनी स्पीड से JS इंजन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतनी स्पीड से JS इंजन में अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज 2020 है, एक्मा की तरफ से जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम ES नेक्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा ES नेक्स्ट भी क्यों करा इन्होंने? गौर करिए, 2015 में ES6 आई, 2016 में ES7 आई, 2017 में ES8 आई, 2018 में ES9 आई, 2019 में ES10 आई, और इसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि हम ES10 के बाद ES11 नहीं लाएंगे, अब हर वर्जन को नाम ES नेक्स्ट देंगे। तो अब 2020 में कौन सा लेटेस्ट वर्जन है? ES नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट वर्जन है, बट हम ES नेक्स्ट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ES नेक्स्ट सिर्फ स्टैंडर्ड है। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरप्रेटर कंपाइलर यानी JS इंजन वो ब्राउजर्स ने अभी तक नहीं दिया है। तो आज की डेट में सबसे पॉपुलर जो आपको ES का वर्जन मिलता है वो ES6 मिलता है। अगर आपको लग रहा है क्यों सर, अगर मैं ES7-8 यूज करूं तो बहुत सारे ब्राउजर्स पे आपके कोड काम नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? बहुत सारे ब्राउजर पे आपके कोड काम नहीं करेंगे क्योंकि हर ब्राउजर ES के नए फीचर्स अप टू डेट सपोर्ट नहीं करता है। अगली स्लाइड में बिल्कुल लाइक HTML5, बिल्कुल HTML5 की तरह। आप नोटिस करिए, ये स्लाइड आपके डाउट्स दूर करेगी। जो ES का 100% सपोर्टेड वर्जन है, ध्यान दीजिएगा, वो ES5 है, लेकिन ये पुराना वर्जन है। आप पिछली स्लाइड देखेंगे तो पता चलेगा ये 2009 में आया था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चेंजेस के साथ लॉन्च हुआ वो ES6 वर्जन लॉन्च हुआ। कब हुआ? 2015 में लॉन्च हुआ, और ये ES का आज तक का सबसे ज्यादा फीचर्स लाने वाला वर्जन है। इसके बाद ES7 भी आई, ES8 भी आई,
लेकिन गौर करिए इसमें सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं देते हैं, राइट। फिर क्या करना पड़ता है अपन को, फिर अपन को कोड लिखना पड़ता है ES7 में और उसे कन्वर्ट करवाना पड़ता है इनटू ES6, और इस कन्वर्जन को ES की दुनिया में बोलते हैं ट्रांसपाइल करना। आप सब ने कंपाइलेशन वर्ड सुना है ना, यू ऑल हैव हर्ड कंपाइलेशन। देयर इज अनदर वर्ड व्हिच इज कॉल्ड ट्रांसपाइलिंग। ट्रांसपाइलिंग का मतलब होता है मैं ES7 में कोड लिखता हूं, ES7 के कोड का बन जाएगा बाइट कोड, लेकिन मानते हैं आप हर ब्राउजर में नहीं चलेगा, मानते हैं, तो मैं इसे एक ट्रांसपाइलर के पास भेजूंगा। वो ट्रांसपाइलर इस बाइट कोड में जो भी मैंने लिखा है ES6 ES7 के हिसाब से उसे कन्वर्ट करेगा ब्राउजर के हिसाब से ES6 या ES5 में। मतलब अपन मान सकते हैं ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देने के लिए है, अपन मान सकते हैं ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देने के लिए है, लेकिन इतनी टेंशन लोग लेना नहीं चाहते हैं कि पहले अपना कोड लिखें फिर ट्रांसपाइलर के पास भेजें, ट्रांसपाइलर उसे बैकवर्ड वर्जन पे सपोर्ट करे। इसलिए 90% वेबसाइट्स मार्केट में जो चल रही हैं, दे ऑल एंड ऑल आर मेकिंग यूज ऑफ ES6 फीचर। अब मुझसे किसी ने लास्ट लेक्चर में पूछा था बेबल क्या है, बेबल ऐसा ही एक ट्रांसपाइलर है जो आपसे मॉडर्न ES का कोड लेता है और उसे ओल्डर ES में कन्वर्ट करता है। आर यू गेटिंग दिस? नहीं, ट्रांसपाइलर के लिए अलग जाना पड़ता है प्रतीक अपन को, ट्रांसपाइलर का अलग सर्वर है, वहां जाकर आप कंपाइल करते हैं और वो जो कोड देता है वो आप एम्बेड करते हैं फिर, राइट। यस, ES6 को ही अपन कहते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। इसीलिए आपने देखा होगा इस कोर्स का टाइटल भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आपको बताया है मॉडर्न JS। आपसे 100% इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो 90s वाली करी है, ओल्ड जावास्क्रिप्ट करी है जो नेटस्केप की थी, या वो करी है जो ECMA की है। तो rather than saying कि मैंने ECMA की करी है, आप दो वर्ड्स बोल दीजिए, आई हैव लर्नड मॉडर्न JS। मॉडर्न JS इज द नेम गिवन टू ES6 ऑनवर्ड्स। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? अब जैसे जैसे ES के नए वर्जन आते जाएंगे, धीरे धीरे ब्राउजर्स अपने आप को करते जाएंगे अपग्रेड। एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा सपोर्ट ES के जिस वर्जन को मिला है वो है ES6 वर्जन, और मैं आपको पढ़ाते वक्त बताता चलूंगा कौन कौन से फीचर ES6 में आए, कौन कौन से फीचर ES6 के पहले से थे। डेफिनेटली आशीष, डेफिनेटली अगर आपको HTML के बेसिक्स आते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं और फिर पूरी जावास्क्रिप्ट पे आप अपना करियर बना सकते हैं, है ना। क्योंकि आप नोटिस करिए जावा पाइथन बहुत पॉपुलर हो रही है, इसके बहुत डेवलपर्स हैं। जावास्क्रिप्ट के उतने डेवलपर्स नहीं मिल रहे हैं कंपनीज को जितनी कंपनीज के पास जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब एंगुलर JS, रिएक्ट JS, नोड JS, इनसे है। गेटिंग दिस? तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सर मैंने CC++ के बाद अभी तक सोचा नहीं किस तरफ जाऊं, तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी गुड चॉइस, बट देन आपको कंप्लीट ट्रैक करना पड़ेगा। खाली ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट से बात नहीं बनेगी, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तीनों होस्ट एनवायरमेंट की जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, ब्राउजर, सर्वर एंड डेटाबेसेस। क्लियर हुआ? संभव देयर आर लॉट मेनी रीजंस टू चूज अ लैंग्वेज, सिक्योरिटी इज नॉट दी ओनली रीजन। आ रहा है समझ? अगर मैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूं संभव, तो मेरे लिए सिक्योरिटी उतना मैटर नहीं करती। और सोचो संभव अगर हर जगह सिक्योरिटी मैटर करने लग जाए तो फिर जावा के अलावा तो किसी टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस बने ही ना, है ना। एक मीडियम लेवल की सिक्योरिटी हर टेक्नोलॉजी देती है ना। मैं ये नहीं कहता जावा जितनी सिक्योर हर टेक्नोलॉजी होगी, बट मीडियम लेवल सिक्योरिटी सब देते हैं। बट जावा के ड्रॉबैक्स भी तो हैं। आप सोचिए जावा सिक्योर होने के साथ साथ स्लो भी तो है कि नहीं है? जावा के साथ कोड लिखना कितना लेंथी है, आप जावास्क्रिप्ट में देखिए वही कोड कितना छोटे में काम कर जाएगा आपका। सो देयर आर लॉट मेनी रीजंस टू चूज अ लैंग्वेज, और कई बार तो आप चूज करते भी नहीं है। आजकल तो आपके कस्टमर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो आपको बताते हैं कि उन्हें एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज में बनवानी है। जानते हैं आप इस बात को? आप हर बार अपना प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो क्लाइंट मीटिंग में आप क्लाइंट के सामने वो प्रोजेक्ट रखेंगे, वो आपको गाइड करेगा, बताएगा इसमें ये फीचर इस लैंग्वेज से ले लो, ये फीचर इससे ले लो। इतने इंटेलिजेंट क्लाइंट भी मार्केट में बैठे हैं। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वेस्ट, है ना। हर लैंग्वेज का अपना डोमेन है। हाँ, अगर सिक्योरिटी मेन इशू है तब डेफिनेटली जावा इज द नंबर वन चॉइस, राइट। बढ़े आगे,
चलिए तो हम लोग कौन सी जेएस पढ़ रहे हैं? फाइनली सारा डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? वी आर लर्निंग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एंड द स्टैंडर्ड वी विल फॉलो इज मेनली ES6। जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे वो प्राइमरीली ES6 के नाम से जाना जाएगा एंड व्हाट यू विल बी राइटिंग इन रेज्यूमे इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। इज इट क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए ये तो था इंट्रोडक्शन, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स चलाने के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको आपके कंप्यूटर पे। व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू डेवलप एंड रन अ जावास्क्रिप्ट कोड। नहीं मेगा, पेपाल में सर्वर पे यूज हुई है, क्लाइंट पे नहीं। पेपाल का तो सर्वर है ना नोड जेएस में, राइट? बहुत कम, शाजे ना के बराबर चांसेस हैं। ES Next सपोर्टेड ही नहीं है ब्राउज़र्स में। क्या बात कर रहे हो, ES Next तो अभी सपोर्ट ही नहीं हुई है, ES 8 तक सपोर्ट नहीं हुई है अभी फुली, तो क्वेश्चन कहां से पूछ लेंगे, राइट? इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है, उनको खुद कैसे पता होगा कि इस फीचर का क्या यूज है जब तक कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे इंप्लीमेंट ना कर दे। ठीक है, आगे बढ़े। ES6 आशीष सब जगह ES6 सपोर्टेड है, अभिनीत ES6 सब जगह है, ओके? यस, ES Next तो लेटेस्ट है, समझ रहे हैं? और मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा आगे चलकर जिसमें लिखा होगा कौन सा ब्राउजर ES के कौन से वर्जन को कितना सपोर्ट करता है। तो आप सोचे कोई कंपनी उस ES पे वेबसाइट क्यों बनाएगी जो वेबसाइट ब्राउजर में चले ही ना। सोचिए आप, एक्मा से क्या होता है, एक्मा ने तो स्टैंडर्ड निकाल दिया, आप इंप्लीमेंट ही नहीं कराए ब्राउजर ने तो आपका कोड तो काम ही नहीं करेगा ना। अपन को वो वाला फीचर लेना है, वो वाला ES वर्जन लेना है जो मैक्सिमम ब्राउजर्स में मैक्सिमम लेवल तक सपोर्टेड है, और वो कौन सा है, वो ES6 है। ठीक, आगे बढ़े। राइट, अब बात करते हैं अगर आपको जावास्क्रिप्ट या ES6, आपसे ES6 बोलेंगे अपन, अगर आपको जावास्क्रिप्ट या ES6 का कोड रन करना है, डेवलप करना है, तो आप क्या करेंगे। वैसे देखा जाए तो JS के लिए कुछ भी अलग से आपको अपने कंप्यूटर में डालने की जरूरत नहीं है, JS का कोड आराम से नोटपैड में लिखा जा सकता है और बहुत इजीली आपके ब्राउजर में आप उसे रन कर सकते हैं, राइट? लेकिन एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर आप कभी नोटपैड यूज नहीं करते। आप सब जानते होंगे हम हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ID यूज करते हैं, कोई ना कोई टूल यूज करते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को फास्ट कर दे। JS के लिए बहुत सारे IDs मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे एडिटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सबलाइन टेक्स्ट, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, बट जो मैं इस कोर्स में यूज करूंगा वो आज सबसे पॉपुलर जो ID और एडिटर है वो हम यूज करेंगे, एंड दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। आई थिंक सभी ने इसका नाम सुना होगा, जो ऑलरेडी जावा में HTML CSS कर चुके हैं एडवांस जावा के कोर्स में, आप तो ऑलरेडी से यूज कर रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग VS कोड इंटरनेट से याद से डाउनलोड कर लें, मैं आपसे वीडियो शेयर कर लूंगा VS कोड को डाउनलोड कैसे करना है और कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया IDE है और ढेर सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आप इसमें पाइथन में, C++ में, जावा में, HTML, CSS, JS हर एक की कोडिंग कर सकते हैं, समझ आ रही है बात? इवन C++ भी सपोर्ट करता है, जो काफी पुरानी लैंग्वेजेस हैं उसको भी VS कोड सपोर्ट करता है। तो आप मॉडर्नाइजेशन के साथ चलें, तो आई रिकमेंड रादर देन यूजिंग नोटपैड फ्रॉम डे 1 वील बी यूजिंग VS कोड। तो बिना VS कोड के जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बट देन यू विल अपीयर टू बी वेरी आउटडेटेड। आप कहीं जाएंगे किसी कंपनी में प्रेजेंट करेंगे अपना प्रोजेक्ट और वो पूछेंगे आपने टूल्स कौन से यूज करे, तो आपको बोलते में भी बहुत अजीब लगेगा कि मैंने नोटपैड यूज करा, ऐसा लगेगा जैसे 1990 की जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं अपन। इसलिए इट्स बेटर अपन ID पे शिफ्ट हो, एंड आई विल रिकमेंड कि आप VS कोड यूज करें। अदर देन VS कोड देयर आर अदर चॉइसेस आल्सो, आप एटम भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्टमेट यूज कर सकते हैं अगर आप मैक पे हैं तो, बट VS कोड तीनों पे अवेलेबल है, तीनों, समझ रहे हैं? VS कोड इज अवेलेबल फॉर, हाँ ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रैकेट्स भी अवेलेबल है, ब्रैकेट्स भी यूज कर लीजिए, बट मैं इस कोर्स में यूज करूंगा VS कोड। और मैं एक और बात बता दूं, इट हार्डली मैटर्स कि आप ID कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि रन ID को नहीं करना है, रन किसे करना है, ब्राउजर को। तो आप किसी भी ID में कोड लिखें,
जाना तो वो क्रोम के पास ही है, हैंडल तो उसे जेएस इंजन ही करेगा, बस आईडी डेवलपमेंट स्पीड आपकी फास्ट कर देगा कुछ आपको शॉर्टकट्स वगैरह प्रोवाइड करके। हुआ क्लियर? सो जो हमारा टारगेट सॉफ्टवेयर्स होंगे वो दो हैं, हम ब्राउजर के तौर पे क्रोम यूज करेंगे, क्यों मोजिला यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आप मोजिला यूज करिए, बट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा दुनिया में आज क्रोम सबसे ज्यादा यूज होता है, करेक्ट? तो इसका मतलब अगर आप कोई साइट बनाएंगे चांसेस आर आपके मैक्सिमम विजिटर्स के पास क्रोम होगा, मैक्सिमम लोग क्रोम से यूज करेंगे। हुआ क्लियर? यस यस, लेकिन सर्वर वाला एंड है, ब्राउजर पे डायरेक्ट इंटरेक्ट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। प्रतीक उसका भी तरीका है, फॉर दैट हमें ब्राउजर के कंसोल पे जाना पड़ता है। यस देयर इज अ डायरेक्ट वे, बट उसके लिए हम फिर फुल फ्लेज ऐप नहीं बनाते हैं, राइट? हम छोटे छोटे कमांड्स रन कर सकते हैं, जैसे पाइथन में अगर आपने कराओ तो पाइथन का शेल होता है, ऐसे जेएस का भी कंसोल होता है जो आपको ब्राउजर में मिलता है, वहां से आप जेएस के कमांड्स चला सकते हैं। बट अगर आपको एक फुल फ्लेज कोड लिखना है तो वो तो आपको एक एप्लीकेशन में ही लिखना पड़ेगा, राइट?